पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बड़े ध्यान से समझेंगे, वैसे हमारे बेसिक्स इस चैप्टर में काफी क्लियर हो चुके हैं, छोटा सा चैप्टर है, कम ही टाइम लगेगा, बड़े ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो चैप्टर के नाम को समझते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उससे भी पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसका मतलब देखो, एक लीनियर इक्वेशन है, x दो वेरिएबल्स में है, x और y, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू जीरो। लीनियर क्यों बोला गया, हर वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है। दो वेरिएबल में क्यों बोला गया, दो वेरिएबल्स हैं, ये बन गई बस। ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है, जनरल फॉर्म, दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ गए ना बच्चों, अब इसको थोड़ी डीप में और स्टडी करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, x plus y is equals to 2, क्या आप इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो जल्दी जल्दी सारे? x plus y minus 2, वेरी गुड, x plus y minus 2 equals to 0। अब बच्चों a क्या है, b क्या है, c क्या है? सर हमने पहले किया, अभी हुआ, आप लोगों को पता भी लग गया, अब समझ रहे हो ना, ax plus by plus c is a general form of linear equation in two variable। Hope so सारे notes अच्छे बना रहे होंगे बच्चों। At the end of the chapter, हमें chapter को revision करके ही सीखते हैं। देखो पहली बार में क्या होता है कि हमें 30-40% चीजें समझ आती हैं। सच आपको चाहे लगेगी पूरी समझ आ जाएगी, सोना नहीं है, ठीक है? पहली बात तो अच्छे से बैठो कॉन्शियसली पूरी एनर्जी के साथ, चाहे हम कम पढ़ लेंगे बट अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? पहली बार में 30-40% चीजें समझ आती हैं दिमाग को, उसके बाद क्या होता है जब हम रिवीजन करते हैं तो 20-30% और आती हैं, तो 70-80 तक पहुंच जाती है गाड़ी। उसके बाद हम जब टेस्ट देते हैं, टेस्ट के थ्रू हम 10% सीखते हैं, फिर जब हम फाइनल रिवीजन करते हैं तब 10% सीखते हैं। इतने राउंड्स करने के बाद हमें चैप्टर समझ आता है, तो उसके लिए बहुत अच्छे से नोट्स बने होने चाहिए सबके, नोट्स मस्ट बी अ प्रॉपर, जो मैं लिख रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, आप अच्छे से बनाओ, ठीक है? अच्छा अब बच्चों बात समझते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है प्रैक्टिकली। वैसे मैंने आपको सिखाया था, याद है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है, क्या होती है ये प्रैक्टिकली? स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। देखते हैं कैसे। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए हमें थोड़ी इंजीनियरिंग लगानी पड़ेगी। इंजीनियरिंग लगाने के लिए हमें इसको मशीन बनाना पड़ेगा, तो इसको मशीन कैसे बनाएंगे, y इज इक्वल्स टू 2 माइनस x, y को एक तरफ रखा, बाकी टर्म्स को एक तरफ रखा, अब इसको मशीन की तरह फील कर लिया, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, एक x का फंक्शन हो गया ना मशीन, ये फंक्शन है, ये मशीन है, x क्या है हमारी इनपुट है, y क्या है हमारी आउटपुट है। अब मशीन का काम क्या है कि आप जो भी इनपुट दे रहे हो वो 2 में से माइनस कर दे रही है। मान लो आपने रखा 8, आपने x को 8 रखा, इनपुट रखी 8, मशीन क्या कर रही है, 2 में से 8 को माइनस कर रही है, तो कितना आंसर दे रही है, माइनस 6। आपने x को रखा 3, मशीन कितना आंसर देगी बच्चों, माइनस वन। अपने x को रखा 6, मशीन कितना देगी आंसर बच्चों, माइनस फोर। अपने x को रखा 2, मशीन कितना आंसर देगी बच्चों, जीरो। अपने x को रखा 0, मशीन कितना आंसर देगी बच्चों, टू। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा, इन सारे पॉइंट्स को x एक्सिस और y एक्सिस पे प्लॉट करके, जैसे 8, -6 यहाँ पे आ गया, समझ रहे हो ना, 3, -1 यहाँ पे आ गया, फिर ऐसे इन सबको ज्वाइन करके देखा गया, तो वो कुछ ऐसा सा ग्राफ बन गया, इसको बोला गया, ये अब स्ट्रेट लाइन दिखने लग गई, तो बोला गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। समझ आया,
कि ये स्ट्रेट लाइन क्यों होती है, क्योंकि बना बना के देखा गया. सॉरी बात समझ रहे हो ना, ये हर वो पॉइंट जो लाइन के ऊपर है वो ये शो कर रहा है कि इस एक्स के ऊपर ये वाई है, देखो 2,0, इस एक्स के ऊपर ये वाई है 0,2, यहाँ पे 8,-6, ये 0.8 है, ये -6 है, ये पॉइंट बन गया 8,-6, समझ रहे हो ना. 6,-4 यहाँ पे, हर वो पॉइंट जो लाइन के ऊपर है, मतलब ये इनपुट आउटपुट वो सॉल्यूशन है x,y. बात समझ गए ना. तो इस लाइन के कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का मतलब वो x और y की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे. भाई बहुत सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी. बात समझ गए ना बच्चों, ये प्रैक्टिकली कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल प्रैक्टिकली एक स्ट्रेट लाइन होती है. क्या बात समझ आई इतनी कि नहीं आई? Yes, क्या हुआ? मैंने बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से करवा दिए हैं पहले चैप्टर में. Yes, sir. देखो समझ आया कि नहीं सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Very good. चलो अच्छे से लिख लिया होगा सबने, होप सो. अब आगे बढ़ते हैं. अब आप लोग मुझे थोड़े से ग्राफ्स बना के दिखाओ. लेट्स ड्रॉ द ग्राफ्स. अब ये बात याद रखना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन होती है. और स्ट्रेट लाइन की खास बात क्या होती है बच्चों? कि ये दो पॉइंट से बन जाती है. हमें ज्यादा पॉइंट्स मार्क करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो पॉइंट से मार्क कर जाएंगे. और मैंने आपको सिखाया हुआ कि दो पॉइंट्स कौन से लेने होते हैं इजी करने के लिए. ये जनरल फॉर्म होती है ax + by + c = 0. और प्रैक्टिकली ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है. इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. ठीक है ना बच्चों? अच्छा अब आप लोग मुझे ग्राफ बना के दिखाओ जल्दी जल्दी. ठीक है, 3x + 2y = 6 पहला केस, 3x - 2y = 6 अगला. डिफरेंट डिफरेंट पे बनाने हैं, बस एक लाइन लगानी है. x एक्सिस पे पॉइंट मार्क करना है, y एक्सिस पे पॉइंट मार्क करना है. जल्दी से कर दो बस ऑरली. चलो भाई जल्दी, बहुत प्रैक्टिस करवाई थी मैंने ये स्टार्टिंग में आपको. चलो बच्चों वेरी गुड, सारे मुझे ग्राफ बनाते हुए दिखें. अमनप्रीत सिंह. यस सर. बेटा वीडियो ऑन करो. दिख नहीं रही. निहारिका, जशनदीप कौर, सुदीक्षा, काविश, तानिश, मोहक. मैंने घर पे फोन कर देना है, मतलब तुम समझो इस बात को, सीरियसली लिया करो थोड़ा. गुरजोत, अब किसी की ऑफ हो गई ना फिर देखना.
देखो अगर तो तुम वीडियो ऑन नहीं करोगे ना तो मुझे दिखेगा नहीं और मेरे में एनर्जी नहीं रहेगी, तो इसका नुकसान तुम लोगों को ही होगा, मुझे कोई नुकसान नहीं है एज अ प्रोफेशनल टीचर, थोड़ा सोच के देखा करो। सर क्या लिखा है? -3x+ 2y, सारे सेम से क्वेश्चन है। हो जाने चाहिए थे अब तक तो बच्चों। अभिदीप सिंह हो गए? यस सर। सर डन। वेरी गुड। वंशिता के भी हो गए। चलो भाई चलो गदो। सुदीक्षा के, तनवीर सिंह हो गए बेटा? यस सर। देखो सबसे पहला ग्राफ बनाते हैं, 3x+2y is equals to 6। देखो ग्राफ्स को हम क्यों बनाते हैं, अब आपने एक मशीन बनाई है एज ए इंजीनियर, ये मशीन क्या है, 2y is equals to 6 minus 3x, y is equals to 6 minus 3x by 2। आपने x को 1 रखा तो आपने आउटपुट क्या दी आपकी मशीन ने, 3 by 2। आपने x को 0 किया, मशीन ने आउटपुट क्या दी, 6 by 2, 3। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट शो करने के लिए, अपने बॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए, इससे अच्छा तो ग्राफ प्लॉट कर दो ताकि मशीन की नेचर के बारे में पता लग जाए। अब ये हमारे पास क्या होता है, एक बार x को 0 करेंगे, एक बार y को 0, मैं तो बॉक्स ही बना लेता हूं, x y, x को 0 किया बच्चों y आएगा 3, y को 0 किया बच्चों x आएगा 2, तो एक पॉइंट बनेगा 0, 3, यहां पे थोड़ा सा ऊपर, यहां पे थोड़ा नजदीक, ये भी आपको अब पता होना चाहिए, ये ऐसा सा ग्राफ बन जाएगा, समझ रहे हो ना, ये ग्राफ बन गया 3x+2y=6। अच्छा अब इसमें खास बात भी मैंने आपको सिखाई थी, कोई बता सकता क्या है, ये पॉइंट रूट ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन, वेरी गुड, रूट ऑफ इक्वेशन। अमनप्रीत सिंह, सर कैन आई ऑफ माई वीडियो फॉर चेंजिंग, और कर ले यार। रूट ऑफ इक्वेशन ऐसा इनपुट जहां पे आउटपुट जीरो हो जाए, ऐसी इनपुट, देखो ऐसी इनपुट जहां पे आउटपुट जीरो हो जाए, दिस इज रूट ऑफ इक्वेशन, दिस इज अ पॉइंट वेयर आर मशीन फेल्स, पॉइंट वेयर अवर मशीन फेल्स, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन पॉलिनोमियल चैप्टर, वी ऑलवेज डीलिंग विद दिस पॉइंट। In next chapter we will study only about this point, quadratic equations. समझ रहे हो इस point की importance? बहुत important point है तो छोटी सी चीज, but IIT में आता है। चलो अब अगला ग्राफ बच्चों, अगला ग्राफ था 3x-2y = 6, एक box बनाया, एक बार x एक्सिस, एक बार y एक्सिस, x को 0 पुट किया तो इक्वेशन क्या बन गई, -2y = 6, तो y आएगा -3, ध्यान से, एक बार y को 0 पुट किया तो x आ जाएगा 2, तो एक पॉइंट तो बन गया 0, -3, और एक पॉइंट बन गया 2, 0, तो कुछ ऐसा सा ग्राफ बन जाएगा। यस सर। सबका बन गया था? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है बच्चों, -3x+2y = 6, एक ग्राफ के लिए एक पहले बॉक्स बना लो, x एक्सिस, y एक्सिस, x को 0, y आएगा 3, y को 0, तो इक्वेशन बनेगी -3x = 6, तो x बनेगा -2, ये ध्यान से लिखना। यस सर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बन गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, एक पॉइंट है 0, 3, दैट इज हेयर, एक पॉइंट है -2, 0, दैट इज हेयर, जॉइन दिस बोथ, दिस इज द ग्राफ। अब अगला ग्राफ था बच्चों -3x-2y = 6 का, तो एक बॉक्स बनाएंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, x को 0, y को 0, बताओ x को 0 करके y कितना आएगा, -3, y को 0 करके x कितना आएगा, -2, तो एक पॉइंट है 0, -3, थोड़ा नीचे की तरफ, नेगेटिव y एक्सिस, एक पॉइंट है -2, 0, इस तरफ, ये बन गया ग्राफ ऑफ इक्वेशन।
समझ आया ना? हर वो पॉइंट जो लाइन के ऊपर है वो क्या है, इसका सॉल्यूशन है, हर वो पॉइंट जो लाइन के ऊपर है, बात समझ रहे हो ना? तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और ये वाला पॉइंट एक खास सॉल्यूशन है, एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, एट दिस एक्स वाई इज जीरो, रूट ऑफ इक्वेशन। हर इक्वेशन का रूट होता है, लीनियर का एक रूट होता है, क्वाड्रेटिक के दो होते हैं, क्यूबिक के तीन होते हैं, आपको सिखा दिया है ये तो, समझ गए ना इस बात को? अच्छा, अब हम अपने चैप्टर के नाम को समझते हैं, चैप्टर के नाम को, चैप्टर क्या कहता है हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर, देखो एक तो लीनियर इक्वेशन ये हो गई, एक हो गई ये, पेयर की बात करनी है हमें, पेयर की, समझ रहे हो ना, इस पूरे पेयर की, इस पूरे सिस्टम की। ये भी प्रैक्टिकली एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी प्रैक्टिकली एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइंस। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे सिर्फ एक लाइन के बच्चों? वेरी गुड। चलो अब इसको थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कौन कौन इसको पहली बार समझ रहा है मुझसे, आप में से जल्दी बताओ, सभी ने पहले समझा हुआ है? बता दो यार, मान्या तुमने? नो सर, पहली बार है। समझ आ रहा है? यस। पूरा समझ आ रहा है कि कम आ रहा थोड़ा? सर आ रहा है। ठीक, चलो अब देखो इसको एनालिसिस करते हैं। कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, जैसे x plus y is equals to 1, x minus y is equals to 2। प्रैक्टिकली देखते हैं क्या है, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है पहले वाली, कुछ ऐसी सी बनेगी 1, 0, 0, 1, और दूसरी भी एक स्ट्रेट लाइन है वो कैसी बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी, बात समझ रहे हो? यस सर। कुछ ऐसी बनेगी, यहां पे पॉइंट बनेगा 0, -2, यहां पे पॉइंट बनेगा 2, 0, कुछ ऐसी सी बनेगी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन बनेगी कुछ ऐसी। देखो क्या समझ आया सबको? यस सर। यस सर। मान्या समझ आया बेटा? यस सर। वेरी गुड। अब अगर आपसे इस सिस्टम के सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाए, इस सिस्टम या फिर इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब, मतलब ये वाला पॉइंट जो दोनों लाइन के ऊपर है, जहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या समझ पा रहे हो, जहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। और वो पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, तीन मेथड्स होते हैं दिस सॉल्यूशन निकालने के, इस सिस्टम के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड। सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसको तीनों आते हैं? वेरी गुड, काविन को। याशिक? यस सर। कितने आते हैं सर? आते तो हैं लेकिन काफी देर होगी। काफी देर कितने, 4-5 साल?
नहीं सर, वो तो पॉलिनोमियल्स का करी जा रहा था ना इसलिए। ये तो कोई बात नहीं बनी यार, मैथ तो एक बार सीखनी होती है लाइफ टाइम में, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेटा हमें अपने आप में। चलो देखते हैं। देखो अगर एक तो मेथड हो गया कि हम ग्राफ से देखें, बट वो तो काफी टफ है कि एक्चुअल ग्राफ पेपर पे बनाएं, फिर अच्छे से मार्किंग को करें, फिर वो पॉइंट्स को गिनें। बट एक तरीका क्या है जो सबसे पहला है, सब्स्टिट्यूशन। जिनको तीनों मेथड से आता है वो जल्दी जल्दी तीनों से करके दिखाओ, एक्स और वाई निकालो, बाकियों को मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से करना है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो बेटा सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होता है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वन, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू टू। पहले आप मन में सोच लो कि मुझे कौन से वेरिएबल, देखो एक वेरिएबल में तो हमें इक्वेशन सॉल्व करनी आती है ना, तो यहां से y निकालो 1 माइनस एक्स, इसको दूसरी इक्वेशन में कर दो पुट, दूसरी इक्वेशन में कर दो पुट, तो x माइनस वन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टू। अब इसको कर लो सॉल्व, x माइनस वन प्लस एक्स इज इक्वल्स टू टू, ये x प्लस एक्स टू एक्स, उधर जाके ये थ्री बन गया, तो x बन गया थ्री बाई टू। अब किसी एक इक्वेशन में x को रख दो, जिसको ये नहीं आता क्या समझ आ रहा है बच्चों, तो y आ गया माइनस वन बाई टू, तो ये पॉइंट कौन सा रहा होगा, थ्री बाई टू कॉमा माइनस वन बाई टू। तो इस सिस्टम का सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन थ्री बाई टू कॉमा माइनस वन बाई टू। ये ऐसा पॉइंट होगा जो इस लाइन के ऊपर भी है, इस लाइन के ऊपर भी है। मान्या समझ आया ये सब्स्टिट्यूशन? सर यस। एलिमिनेशन आता है बेटा तुम्हें? सर यस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? सर आता है। ये भी आता है, कब सीखा? सर आता है, लास्ट क्लास में किया था। लास्ट क्लास में मैंने करवाया था सर, ज्योतिका मैम ने कराया था। वेरी गुड। क्या सबको समझ आया बेटा ये पहला मेथड? यस सर। सभी को आता है ना? अभिदीप सिंह कुछ पूछ रहे हैं? यस सर। नहीं सर आता है, तीनों आते हैं सर। ठीक है तीनों आते हैं सर, आपने होमवर्क दिया था। ओके होमवर्क भी दिया हुआ है, वेरी गुड। अच्छा अब बच्चों इसी क्वेश्चन को अगर इलिमिनेशन से करना होता, आज हमें बस ये मेथड ही सीखने हैं। इलिमिनेशन एक ट्रिक है, इलिमिनेशन एक ट्रिक है। वो क्या कहती है कि आप कोई भी एक वेरिएबल को खत्म कर दो, कैसे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड, राइट हैंड साइड में। अब आप सोच के देखो, पहले तो ये सोचा करो मन में कि कौन सा वेरिएबल खत्म करना है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वाई को खत्म करना चाहिए, तो पहले वाई के कॉफिशियंट्स को सेम बना लो। जैसे यहाँ पे वाई का कॉफिशियंट वन है, यहाँ पे भी वन है, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज देखना अभी हमें, मैग्नीट्यूड वाइज वन वन। अब सेम है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल क्या कर दें, एडिंग कर दें, एडिंग करके वाई कट जाएगा ना, एक्स प्लस एक्स टू एक्स, वाई कट गए थ्री, एक्स आ गया थ्री बाई टू। अब मान लो सब्स्टिट्यूशन लगा के ही मुझे क्या करना होता, एक्स निकालना होता, तो मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा, सब्ट्रैक्शन करूंगा तभी तो ये कटेंगे। यस सर। ये कट गया, वाई प्लस वाई टू वाई माइनस वन, तो वाई माइनस वन बाई टू। मतलब करवाया हुआ है बहुत बार, तो इसमें क्या ही सिखाऊंगा। बताओ सभी बच्चे ध्यान से, सच बताना, जिसको नहीं आ रहा मैं समझा देता हूँ बेटा अभी। बताओ बेटा, एनीवन हैविंग डाउट इन दिस अप्रोच, प्लीज आस्क। जशनदीप कौर सर, एलिमिनेशन दोबारा समझा दो। एलिमिनेशन दोबारा समझा देते हैं, चलो एक क्वेश्चन और देखो। जैसे क्वेश्चन है 2x plus 3y is equals to 4, x plus y is equals to 6, मुझे x और y निकालना है। अब प्रैक्टिकली तो तुम्हें पता है कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, तो एक सॉल्यूशन ये पॉइंट निकालना है। क्या कर रहे हैं प्रैक्टिकली वो तो पता है, बताओ। यस सर।
अब इलिमिनेशन क्या कहता है बच्चों, कि एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना। मान लो हमें वाई को इलिमिनेट करना था, किस बच्चे ने पूछा था, नाम क्या है उसका? सर मंथन। मंथन, मंथन हमें वाई को खत्म करना है ना? यस सर। तो यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट क्या है? 3। यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट क्या है मैग्नीट्यूड वाइज? 1। अब इसको 3 बनाने के लिए क्या करें, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं? इधर 1 से मल्टीप्लाई, चलो। यस सर। समझ रहे? पूरी इक्वेशन को कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। तो इक्वेशंस क्या क्या बन गई, 2x + 3y = 4, वो तो एज इट इज रही। और ये इक्वेशन क्या बन गई, 3x + 3y = 18। ये समझ आया? यस सर, आ गया। अब एडिशन करके फायदा होगा क्या सब्ट्रैक्शन करके? सब्ट्रैक्शन करके, सब्ट्रैक्शन करके, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट गया, ये बच गया अपने पास माइनस एक्स। ये कितना बन गया, -14। तो एक्स कितना बन गया, 14। अब मान ले वाई निकाल देते हैं सब्स्टिट्यूशन से ही, इलिमिनेशन से। अब मुझे क्या करना है, एक्स को खत्म करना है। तो क्या करूं, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से। 2 से, वेरी गुड। तो पहली इक्वेशन को तो 1 से ही करो, 2x + 3y = 4। ये क्या बनेगी, 2x + 2y = 12। अब एडिशन करूं या सब्ट्रैक्शन करूं बेटा? सर सब्ट्रैक्शन। प्लस का साइन चेंज माइनस, प्लस का साइन चेंज माइनस, प्लस का माइनस, ये कट गया, y -8। तो वो पॉइंट कितना आ गया, 14, -8। ये समझ आया, ये सॉल्यूशन आ गया। यस सर। बच्चों सबको समझ आया ना? जल्दी बताओ यार। यस सर। यस सर। यस सर। मैंने वैसे चैप्टर आपको पहले ही करवा दिया है, अगर आपको थोड़ा ध्यान से समझ आया हो। गरिमा तुम कहाँ पहुंच गई सॉल्विंग में? गरिमा चैप्टर हो गया पूरा 3.11 पे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर दो बेटा, अब तो खत्म हो जाना चाहिए था वो। फाइंड एक्स एंड वाई, दो मेथड से निकालो दोनों क्वेश्चन को, दो दो मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से भी निकालो, इलिमिनेशन से भी निकालो। कम ऑन मंथन, निकाल के देख। निकाल रहा। गरिमा इस हफ्ते क्वाड्रेटिक भी कंप्लीट हो जाना चाहिए तुम्हारा। और किसी को करना है खत्म? और कोई नहीं है पढ़ने वाला? चलो कोई बात नहीं। अभी दीप सिंह को करना है, वेरी गुड। सुदीक्षा को करना है, ठीक है। अगर ना हुआ तो जान ले लूंगा। जिन जिन को कंप्लीट करना है वो मुझे मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। हो गया भाई, अभिदीप सिंह हुआ कुछ? सेकंड वाला दूसरे मेथड से रह गया अभी। यस सर, दूसरे मेथड से रह गया सर, पहले से। अच्छा,
जशनदीप कौर सर बस हो मान्या आ रहा है ना बेटा सर यस मनी यस सर कुछ हो रहा है तुझसे हो रहा है सर नवीन यस सर कुछ समझ आ रहा है यस सर तानिश यस समझ आ रहा है पक्की बात है यस वीडियो क्यों नहीं ऑन करता तानिश सर फिर बाप की आवाज वो आती है बीच बीच में कट कर अच्छा मुझे लगा तेरे पास वाईफाई लगा हुआ घर पे लगा हुआ है सर वो बंद हो गया अभी फोन किए हुए वो आएंगे अच्छा चलो बच्चों अब इस क्वेश्चंस को करवाता हूँ दोबारा से समझेंगे सारे जिनका नहीं हुआ आंसर पहले वाला देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है प्यारे बच्चों हमें एक वेरिएबल में इक्वेशन को बनाना होता है जैसे 8x plus 5y is equals to 9, 3x plus 2y is equals to 4. दोबारा समझ लो पहले इक्वेशन में से y निकालो दूसरी में डाल दो 5y is equals to 9 minus 8x प्लस का इधर जाके माइनस 9 minus 8x by 5 ये बन गया y इसमें डाल दो सुपर इक्वेशन में as simple as that वैसे तो ये चैप्टर अब खत्म कर सकते हो अब सारे जाने 9 माइनस 8x बाई 5 इज इक्वल टू 4 अब बस इसको सॉल्व करना है ये देखना y ये जो 2 लगा हुआ है y के आगे है तो मतलब इस पूरी टर्म के आगे है तो ब्रैकेट डाली है मैंने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना रहेगा आपको अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेना पड़ेगा ब्रैकेट खोल रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 15 माइनस 16 माइनस एक्स प्लस 18 इज इक्वल्स टू 20 तो एक्स कितना आएगा यहां से माइनस अब एक्स आ गया किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो इसी में डाल दो इस वाली सॉल्व कर लो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना बनेगा 5 तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा सिस्टम का माइनस 2.5 क्या समझ रहे हो यस यस सर अगर इसी को इलिमिनेशन से करना होता बच्चों इसी क्वेश्चन को इलिमिनेशन से करना होता तो कैसे करते चलो सबसे पहले y x निकालते हैं तो y को खत्म करना पड़ेगा अब यहां पे y का कोफिशिएंट 2 है यहां पे y का कोफिशिएंट 5 है तो इसको करें 2 से मल्टीप्लाई इसको करें 5 से मल्टीप्लाई यस सर ऊपर वाली क्वेश्चन बन जाएगी 16x plus 10y is equals to 18 नीचे वाली बन जाएगी 15x plus 10y is equals to 20 अब एडिशन करके फायदा होगा कि सबट्रैक्शन सबट्रैक्शन प्लस का माइनस प्लस का माइनस अब ऐड कट गया ये एक्स बन गया 18 माइनस 20 माइनस 2 याद रखना अब एक्स आ गया वाई निकाल लें फिर से एलिमिनेशन लगा लेते हैं 8x प्लस 5y 9 3x 2y 4 अब एक्स को खत्म करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई इसको 8 से मल्टीप्लाई 24x प्लस 15y 27 24x 16y 32 प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस ये कट
कि नहीं, सच बताओ? यस सर। मंथन, नवीन? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू इलेवन, टू एक्स प्लस नहीं थ्री एक्स प्लस टू वाई है, हाँ थ्री एक्स प्लस टू वाई, ऑन करो, स्टार्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले करते हैं सब्स्टिट्यूशन से। सबसे पहले y को दूसरी इक्वेशन में डाल दो, 11 माइनस थ्री एक्स, स्टेप बाय स्टेप करना है आपको, बेसिक्स तो स्ट्रांग होने ही चाहिए यार मैथमेटिक्स के लिए। तो 2 टाइम्स x, 3 टाइम्स 11 माइनस थ्री एक्स बाय टू, 4 के इक्वल। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, 4x, 2 एलसीएम ले लिया, 33 माइनस 9x इज इक्वल्स टू 4, 4x माइनस 9x माइनस 5x प्लस 33 इज इक्वल्स टू 8, माइनस 5x, 8 माइनस 33, 8 माइनस 33 कितना होता है बेटा, माइनस 25, तो x आ गया 5. अब x को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, x को इस इक्वेशन में डाल दो, y is equals to 11 minus 3 into 5 by 2, 11 minus 15 by 2 minus 4 by 2 minus, तो सॉल्यूशन क्या आ गया, minus 2 comma 5, minus 2 comma 5, समझ आ गया ना बेटा? सॉरी, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो 5 comma minus 2, very good, समझ आ गया सबको? अब इसी क्वेश्चन को करते हैं इलिमिनेशन से। 3x plus 2y is equals to 11, 2x plus 3y is equals to 4। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मन में सोच लेते हैं कि मुझे y खत्म करने, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट 2, इसको 2 मल्टीप्लाई। अब पहली क्वेश्चन बनेगी 9x प्लस 6y 33, और दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी प्यारे बच्चों, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। अब सब्ट्रैक्शन करके फायदा हो जाएगा, यस सर, ये 5x, 33 माइनस 8 इज 25 एंड x बिकम्स 5। अब हमें y खत्म करना है, इलिमिनेशन ही लगानी है। अगर वैसे तो एक तरीका है किसी भी क्वेश्चन में x डाल दो y निकाल लो, पर अगर हमें और अच्छे से करना है तो हम ऐसे करते हैं कि 3x plus 2y 11, 2x 3y 4, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, इसका कोएफिशिएंट इधर, समझ रहे हो ना? यही क्वेश्चन बनेगी 6x 4y 22, यही क्वेश्चन बनेगी 6x 9y 12। अब फिर से सब्ट्रैक्शन करें बच्चों, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये उड़ गया, माइनस 5y, ये बनेगा हमारे पास कितना, प्लस का 10, 22 माइनस 12, y बन गया माइनस 2, सो वी गेट द पॉइंट, x कॉमा y विल बी 5 कॉमा माइनस 2। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. All of you. सभी को क्लियर है? Yes, sir. हमने किया हुआ है, हमने पहले भी किया हुआ है, नाइन्थ क्लास में हमने पहले भी किया था, टेंथ की स्टार्टिंग में काफी किया हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं? जिसको डाउट है वो पूछ ले, खुल के पूछ ले, खुल के कि सर हमें आता नहीं है, करवा दो, बताओ। मंथन, नवीन, गुरजोत? यस सर, समझ आ गया। अच्छा अब प्यारे बच्चों थोड़े से ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस भी देखो, जैसे कि
क्वेश्चन है 2 बाय एक्स प्लस 2 बाय 3 वाई इज इक्वल्स टू 1 बाय 6, 3 बाय एक्स प्लस 2 वाई वाई इज इक्वल्स टू 0, फाइंड एक्स एंड वाई, कोई बता सकता कैसे करेंगे? वेरी गुड, शाबाश। देखो बच्चों, इसको पहले सिंपल फॉर्म में बनाओ, कन्वर्ट दिस इनटू अ सिंपल फॉर्म। अगर आपने एलसीएम लेके किया एक्स और वाई आ जाएगा, फिर वो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, कैसे? 1 बाय एक्स को एक नया वेरिएबल मान लो t1, 1 बाय वाई को एक नया वेरिएबल मान लो t2। तो यही क्वेश्चन क्या बन जाएगी, 2t1 प्लस 2 बाय 3t2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 6। समझ आई? ये 2 इंटू 1 बाय एक्स है ना, ये तो 1 बाय एक्स को मैंने क्या मान लिया था, t1। अब ये t1 t2 निकालना बड़ा इजी है, दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, समझ रहे हो ना? इसके लिए तो हमें बहुत से मेथड्स आते हैं। अब विदीप सिंह, समझ आई ये मेथड की ट्रिक? यस सर। नवीन, संतरूप? यस सर। यस सर। अब t1 t2 निकालने के लिए इधर फिर से एलसीएम ले लेते हैं, पहले और सुंदर बना लेते हैं। 6t1 2t2 बाय 3 है, 1 बाय 6 है, तो ये कट गया 2 पे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 12t1 4t2 1 बन गया, 3t1 2t2 0 है। अब t2 खत्म करें पहले, तो इसको ही सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। भाई इसको 2 से इसको 4 से करने का क्या ही मतलब बनेगा, समझ रहे हो कि नहीं? थोड़ा इतना तो दिमाग लगाओगे ना, अगर एक बच्चा इसको 2 से करेगा फिर इसको 4 से करेगा, भाई इससे तो अच्छा है कि मैं सिर्फ 4 बनाना है, तो मुझे पता है 4 तो 2 का मल्टीपल ही होता है, तो 2 से ही कर देता हूँ सिर्फ। क्या ये बात समझ रहे हो ना? खुद से दिमाग लगाना है बेटा, खुद से। ये बात समझ आई? यस। अगर आपको अगर आप क्रैमिंग करनी है तो ऐसे सोच लो भी 2 और 4 का एलसीएम होता है 4, 4 बनाने के लिए इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो रट्टा मारने का तरीका है। अब कैसे करेंगे, 12t1 प्लस 4t2 इज इक्वल्स टू 1, 6t1 प्लस 4t2 इक्वल्स टू 0, सब्ट्रैक्शन, 12 माइनस 6 6t1, 1 माइनस 0 करनी है मुझे, नहीं करनी। T2 आ गया माइनस 1 बाय 4। क्या सभी को मेरी वॉइस नहीं आ रही? अभिदीप सिंह? यस सर। सभी को आ रही है सर? बीच बीच में से रुक जाती है और वीडियो पॉज हो जाती है। यस। अरे नहीं यार, नेट तो इतना अच्छा चल रहा है। अब आपको सर, ये सर पहले आपके सर बार्स रेड हो गए थे, वो कि आपका नेटवर्क अच्छा। तो हो गया सर, पहले वो आने लग गया था। अच्छा अब ठीक है? यस सर। सर अब वाइट। ये मेथड समझ आ गया, ये बताओ बस। यस सर। अब देखो t1 निकल गया, 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय 6, 1 by y is equals to minus 1 by 4. X और y कैसे निकलेगा? Reciprocal कर दें दोनों sides को। समझ गए ना? कितना इजी था देखा? अगर समझ के किया जाए तो। समझ रहे हो बात को? अच्छा अब होमवर्क सुन लो क्या है सारे जाने। होमवर्क, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के
जो कंसेप्ट ये मैंने करवाया है जिसको तीनों मेथड्स आते हैं या जिसको कम से कम दो तो सबको आते हैं, तो हर क्वेश्चन को जिसको तीनों आते हैं वो तीनों मेथड से करेगा, जिसको दो मेथड्स आते हैं वो दो मेथड से करेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं एक्स और वाई निकालने के, क्या कल तक कर लोगे? यस सर। सारे बच्चे? यस सर। सारे बच्चे समझ गए? तो आज तो हम यहीं तक करेंगे, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। होप सो आपको बेसिक समझ आ गया होगा चैप्टर का, इस चैप्टर में हमें करना क्या है। मेन क्वेश्चन तो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले हैं, तो एक क्लास और लगाएंगे अभी इन दो मेथड्स के ऊपर, तीन मेथड्स के ऊपर, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेंगे। अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि जिनको ये सारे मेथड्स आ गए हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करें, खुद से दिमाग लगाना घर पे, ठीक है, बुक से। बेटा पढ़ना हमेशा खुद पढ़ता है, हमें खुद पढ़ना चाहिए अगर आप अच्छा बनना चाहते हो, बाकी तो विश है यार आप लोगों की, लाइफ इज ऑलवेज अ चॉइस। चलो हैव अ गुड डे, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू सर। थैंक यू।